हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लॉग कैसे निकालते हैं किसी भी 4-डिजिट नंबर का, वो देखेंगे यूजिंग लॉग टेबल। ये होता है लॉग टेबल, जिसमें लॉग और एंटी लॉग दोनों होते हैं। लॉग के इसमें 10 से लेके 99 तक नंबर्स दिए होते हैं। यहाँ पे 0 से लेके 9 तक ये डिफरेंस का कॉलम है और 1 से लेके 9 तक ये मीन डिफरेंस का कॉलम है। तो आपको एक बात याद रखनी है, लॉग हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें 4-डिजिट नंबर दिया होता है। 4-डिजिट से ज़्यादा का हम लॉग नहीं निकाल सकते। फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं नंबर के, वो हमें यहाँ पे देखने होते हैं फर्स्ट कॉलम में। फिर थर्ड वाला डिजिट 0 से लेके 9 में देखना होता है। फोर्थ वाला डिजिट ये मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना होता है। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें कि हमें कैलकुलेट करना है डिजिट्स कितने हैं हमारे दिए हुए नंबर में। डिजिट्स यानी कि जो डेसिमल पॉइंट के पहले के जो नंबर्स हो गए लेफ्ट हैंड साइड के, वो हमें कैलकुलेट करने होते हैं और उसमें से हमें एक माइनस करना है। यानी कि अगर 4 डिजिट्स है तो 4 - 1 = 3 करना है, 2 है तो 2 - 1 = 1 करना है, इस तरह से। सेकेंड स्टेप होती है मेक 3 पार्ट्स ऑफ नंबर, जिसमें हम पहले पार्ट में 2 डिजिट्स लेंगे, दूसरे में 1 और तीसरे में 1। तो अगर वो नंबर पॉइंट के बाद भी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0.4321 ऐसा ही नंबर है, तब भी हम 43 का पहला पार्ट करेंगे, फिर 2 का 1 और 1 का 1, इस तरह से। थर्ड स्टेप है कि हमें लॉग फाइंड आउट करना है लॉग टेबल के जरिए। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल में हमने लिया है नंबर 2453। तो अब यहाँ पे 4 डिजिट्स है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 - 1 करना है। फर्स्ट स्टेप है डिजिट्स कैलकुलेट करो और उसमें से माइनस 1 करो। तो 4 - 1 आ गया 3। तो ये 3 हमारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, हम इसको अभी बाजू में रखेंगे। बाद में हमें इस नंबर के 3 पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स होंगे 24, 5 और 3। 24, 5, 3। उसके बाद हमें इसे अब लॉग टेबल में देखना है। तो हमें 24 नंबर का 5 और 3 देखना होगा। तो ये अब हमारा लॉग टेबल है। तो यहाँ पे हमें इस 24 को 5 और 3 में देखना है। तो ये जो 5 वाला कॉलम है यहाँ पे है, ये है 24। तो अब है ये नंबर लेना होगा 3892। और उसके बाद में यहाँ पे 3 में देखना है। तो ये 24 की लाइन है और यहाँ पे ये 3, यानी कि ये 5 है। तो अब ये 3892 प्लस 5 करना है। तो ये 3892 प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा 3897। यानी कि हमारा जो लॉग है इस नंबर का, वो आएगा 3897। ये जो 3 है जो हमने पहले निकाला था, वो हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले लिखना है, यानी कि 3 पॉइंट। और ये जो हमने लॉग निकाला है वो डेसिमल पॉइंट के बाद लिखना है। तो ये आ गया 3.3897। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 2453 का लॉग है 3.3897। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड को बोलते हैं मैंटेसा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर का तो अभी हमने निकाला, 2453 का लॉग है 3.3897। अब यहाँ पे इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं था। अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट हो तो क्या करना है? अभी मैंने सेम नंबर का एग्जांपल लिया है, बट डेसिमल पॉइंट जो है वो डिफरेंट साइड पे है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर में था 2453.00, बट यहाँ पे है 2453। तो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? सबसे पहली स्टेप थी कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को जितने भी नंबर से उसमें से एक माइनस करना है। तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस तो सेम ही है कि हमें इस डिजिट के 3 पार्ट्स करने हैं, 24 को
5 और 3 में देखना है, तो उसका आंसर तो 3897 ही आने वाला है, तो इसीलिए इसका लॉग आएगा 2.3897। नेक्स्ट एग्जांपल है 24.53। अब यहाँ पे टू डिजिट्स है, 2 माइनस 1 1 आ गया, यानी कि 1.3897। उसके बाद का नंबर है 2.453। यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 1 माइनस 1 हो गया 0, इसीलिए 0.3897। अगर इस तरह से नंबर है 0.2453, अब यहाँ पे तो 0 है, फिर क्या करना, 0 माइनस 1 क्या हो गया, -1, इसलिए -1.3897। अब दो जीरोज है, 0.02453, तो इसका आएगा -2.3897। जितने जीरोज है उतना यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे एक जीरो था -1, दो जीरो है -2। अब ये जो माइनस वाले नंबर्स है उसको रिप्रेजेंट करते समय इस तरह से करते हैं, 2 के ऊपर बार, -2 के लिए 2 के ऊपर बार, -1 के लिए 1 के ऊपर बार, अगर यहाँ पे -4 -5 जो भी नंबर होगा यानी कि उस नंबर के ऊपर बार, 0.3897। तो इस तरह से अब आप किसी भी नंबर का लॉग आसानी से निकाल सकोगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।